जौनपुर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर मंगल क्लिनिक पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर उत्तम कुमार गुप्ता ने सुसाइड के कारण उनका बचाव कैसे किया जाए के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आत्महत्या करने के कारण कार्य के दबाव के कारण चिंता, दूसरों के द्वारा निंदा किए जाने पर उच्च स्थान की प्राप्ति के लिए दबाव, शारीरिक परेशानियों से परेशान व्यक्ति, घरेलू हिंसा, मादक पदार्थों का सेवन करना आदि बहुत से कारण आत्महत्या करने के लक्षण, बार बार मरने की इच्छा व्यक्त करना, नकारात्मक विचार आना और कहना कि जीकर क्या करूंगी, दोष की भावना व्यक्त करना, मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं, ना ही कोई मेरी सहायता करने वाला, मित्रों और परिवार से दूरी बनाना, अपनी क्षमता पर शक करना, इस तरह के विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति आत्महत्या करने की तरफ संकेत देते हैं। ऐसे लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई दें तो तीन सवाल जरूर पूछें, आप आत्महत्या कब करेंगे। यदि व्यक्ति ऐसा समय बताए जिस समय आसपास हूं तो उसके द्वारा आत्महत्या करने की संभावना अधिक होती है, और यदि वो कहें कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा तो इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने की संभावना कम है। कैसे करेंगे, यदि स्पष्ट साधनों का उल्लेख करें जैसे गोली मार लूंगा, फांसी कर लूंगा, रेल से कट जाऊंगा आदि, ये साधन आसानी से उपलब्ध है तो समझना चाहिए कि संभावना अधिक है। आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं, यदि उनमें तीन भावना दिखाई दे, निराशा, जीवन की मूल्य हिंसा और सहायता का कोई आसरा न दिखे तो उसे आत्महत्या का जोखिम बहुत ज्यादा है। आत्महत्या का प्रबंधन व्यर्थ की चिंताओं से दूर करने के बारे में सोचना, वास्तविकता को स्वीकार करना, अपनी क्षमताओं का सही आकलन करके उसी के अनुरूप अपने लक्ष्य का निर्धारण करना, रुचि व शौक के लिए भी पर्याप्त समय व संसाधन उपलब्ध कराना, सकारात्मक सोचना, अपने पर विश्वास रखना, दूसरों का दूसरों के विचारों का सम्मान करना। हम सबको ये सीखना चाहिए कि कोई भी काम असंभव नहीं, जो भी ईमानदारी से धैर्यपूर्वक काम करेंगे सभी कार्य संभव हो पाएंगे, जिससे हमारा प्रेशर कम होगा और हम आत्महत्या के विचारों से लोगों को बचा पाएंगे, खुद भी बच पाएंगे। इस अवसर पर क्लिनिक के मैनेजर शशि पांडे उपस्थित रहे, साथ में क्लिनिक के सभी स्टाफ, सनी उपाध्याय, दीपक, अजय, त्रिलोकी, रमाकांत यादव आदि लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से दिलीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर।